डायना काला पोशाक वाले आदमी को एकटक देखते हुए उससे हैरानी के साथ कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माई को क्यों मारा? काला पोशाक वाला आदमी डायना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बस चुपचाप एक अस्त्र जो नीचे पड़ा हुआ था उसे उठाने लग जाता है। डायना उस काला पोशाक वाले आदमी पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो तुमने माई को क्यों मारा? काला पोशाक वाला आदमी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देती डायना। काला पोशाक वाला आदमी एक अस्त्र डायना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो अपना एक अस्त्र, पकड़ो डायना, तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। डायना काला पोशाक वाले आदमी को एकटक देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम जानते हो आखिर तुम हो कौन? उस रात तुम यामिनी को बचाने आए थे और आज मुझे? काला पोशाक वाला आदमी डायना को ही एकटक देखते हुए उसकी बात को काटते हुए कहता है, अपना एकास्त्र पकड़ो डायना। काला पोशाक वाले आदमी की ये बात कहते ही डायना का एकास्त्र पर ध्यान चले जाता है। जब वो एकास्त्र की तरफ अपनी नजरें करती है और उसे काले पोशाक वाले आदमी के हाथों में देखती है तो वो अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त डायना ने अपने हाथ में एकास्त्र पकड़ कर रखा हुआ था और वो एकास्त्र को काला पोशाक वाले आदमी की तरफ बढ़ा रही थी। डायना काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, अरे तुम मूर्ति बनकर क्यों खड़े हुए हो? लो तुम्हें एकास्त्र चाहिए था ना ये पता लगाने के लिए कि मैं सही जगह पर तुम्हें लेकर आई हूँ या नहीं। लो अब तुम खुद ही पता लगा लो। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है डायना, तुम हमें सही जगह पर लेकर आई हो। डायना हैरानी के साथ कहती है, पर मुझे तो यहाँ पर कोई भी। डायना अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही काला पोशाक वाला आदमी डायना के मुंह पर अपनी उंगली रख कर उसे चुप रहने का इशारा करने लग जाता है। डायना भी तुरंत चुप हो जाती है। काला पोशाक वाला आदमी और डायना दोनों सीरियस हो जाते हैं, जैसे वो जान गए हो कि खतरा उन दोनों के आसपास ही कहीं ना कहीं मंडरा रहा था। काला पोशाक वाला आदमी अपनी पैनी नजरों से चारों तरफ देखने लग जाता है। डायना भी सतर्क हो जाती है। वो काला पोशाक वाला आदमी अपने चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उसे दूर अंधेरे में लंबी लंबी घासों के बीच में ही दो डरावनी लाल आंखें नजर आती हैं जो उसे और डायना को ही घूरे जा रही थी। काला पोशाक वाला आदमी डायना को उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखो डायना, हम शैतान को ढूंढ रहे थे और शैतान हमें मिल गया। जब डायना उस तरफ नजरें करती है तो वो भी उन लाल आंखों को देखकर डर जाती है, इतना ज्यादा कि वो तुरंत उस काला पोशाक वाले आदमी का हाथ पकड़ लेती है। वो लाल आंखें किसी इंसान की तो कतई नहीं लग रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई जानवर खड़ा हो। काला पोशाक वाला आदमी वज्र पर पकड़ जमाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं अभी इस शैतान को सामने लाता हूँ। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी वज्र का उपयोग करने वाला था कि तभी जहाँ पर वो लाल आंखें नजर आ रही थी उस तरफ की घासों की हलचल बढ़ने लग जाती है, जिस कारण काला पोशाक वाला आदमी रुक जाता है। देखते ही देखते वैसी ही ढेर सारी लाल आंखें नजर आने लग जाती हैं जो डायना और उस काला पोशाक वाले आदमी के चारों तरफ फैली हुई थी। हर जगह वही आंखें नजर आ रही थी। डायना अपने आसपास देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये सब आखिर हो क्या रहा है? कि पहले तो बस एक जोड़ी आंखें थी, एकदम से इतनी सारी आंखें कहां से आ गई? काले पोशाक वाले आदमी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। आसपास फैली झाड़ियों में हलचल और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन झाड़ियों के अंदर से निकलकर कोई बाहर आ रहा हो। झाड़ियों के अंदर से कोई और नहीं बल्कि ढेर सारे बंदर बाहर निकलने लग जाते हैं, पर वो आम बंदर नहीं थे। उनका बदन पूरी तरह काला था और वो अपने दो पैरों पर इंसानों की तरह चल रहे थे। पूरे बदन पर ढेर सारे लंबे लंबे बाल थे। उनकी जो पूंछ थी वो आंखों की तरह लाल थी जो गोल मुड़कर लिपटी हुई थी। सारे बंदर झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलकर डायना और काला पोशाक वाले आदमी को घेर लेते हैं। उनके चारों तरफ ढेर सारे बंदर नजर आने लग जाते हैं। डायना उन बंदरों को देखते हुए कहती है, ये तो बंदर हैं। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, ये बंदर नहीं है डायना, ये कपी है और अभी कपिराज का आना बाकी है। डायना हैरानी के साथ कहती है, अब ये कपिराज कौन है? डायना ने इतना कहा ही था कि तभी हलचल और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। किसी दानव के चलने के कदमों की धड़ाम धड़ाम वाली आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। सभी कपी जो डायना और काला पोशाक वाले आदमी को घेर कर खड़े हुए थे वो दो सीधी कतार में खड़े होने लग जाते हैं, जैसे वो किसी के आने के लिए रास्ता बना रहे हो। और देखते ही देखते उस रास्ते पर सामने से एक बड़ा सा बंदर आता है जिसका कद बाकियों के बंदर से सबसे ज्यादा बड़ा था, काला पोशाक वाले आदमी से भी बड़ा। वो करीब 20 फीट का होगा, हट्टा कट्टा और मोटा।
उस बड़े से बंदर में एक और सबसे खास बात थी, वो ये कि उसने अपने गले में एक अजीब सा हड्डी की तरह दिखने वाला लॉकेट पहना हुआ था। काला पोशाक वाला आदमी उस बड़े से बंदर को देखते हुए कहता है, यही है कपिराज डायना जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था, इनकी पूंछ से बचकर रहना। डायना हैरानी के साथ कहती है, पूंछ से बचकर रहना, पर क्यों? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, रुको डायना, तुम्हें अभी खुद पता चल जाएगा। वो कपिराज डायना और काले पोशाक वाले आदमी दोनों को गुस्से से घूरने लग जाता है, जैसे वो नाराज हो उनके वहां पर आने से। अगले ही पल वो कपिराज डायना और काला पोशाक वाले आदमी को मारने के लिए उन पर टूट पड़ता है। डायना और काला पोशाक वाला आदमी भी उस कपिराज का सामना करने लग जाते हैं, उसके हर वार से बचने की कोशिश करने लग जाते हैं। एकास्त्र और वज्र होने के कारण डायना और काला पोशाक वाले आदमी को उस कपिराज के बलशाली हाथों के वार को रोकने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। जब बाकी के कपि देखते हैं कि डायना और काला पोशाक वाला आदमी बड़ी आसानी से कपिराज के हर वार का सामना कर रहे हैं, उसका डटकर सामना कर रहे हैं, तो बाकी के कपि भी उसकी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। वो सारे कपि भी डायना और काला पोशाक वाले आदमी से लड़ने लग जाते हैं। डायना बाकी के कपि से लड़ने लग गई थी, तो काला पोशाक वाला आदमी अकेले कपिराज से लड़ने लग गया था। वो कपि अपनी पूंछ से ही डायना पर वार कर रहे थे। जब भी कोई कपि अपनी पूंछ से डायना पर वार करता, कपि की पूंछ से तेजाब निकलता। ये देखकर डायना समझ गई थी कि क्यों काले पोशाक वाले आदमी ने उसे कपि की पूंछ से बचकर रहने के लिए कहा था। हर कपि अपनी पूंछ से ही डायना पर वार कर रहा था, पर डायना उनके हर वार से बचते जा रही थी। कपि की पूंछ को देखकर डायना इतना तो समझ गई थी कि उनकी पूंछ में ही उनकी ताकत थी। इसी वजह से डायना भी उनकी पूंछ पर ही वार करने लग गई थी और एक के बाद एक कपि को परास्त करने लग गई थी। काला पोशाक वाला आदमी भी वज्र से कपिराज की पूंछ पर ही वार करने की कोशिश कर रहा था, पर कपिराज हर बार बच जाया करता था। वो अपने दानव जैसे दिखने वाले पंजे से ही काला पोशाक वाले आदमी को दूसरी तरफ खदेड़ देता था। डायना और काला पोशाक वाले बड़ी ही बहादुरी के साथ उन सारे कपि और कपिराज से लड़ते रहते हैं। एकास्त्र की सहायता से डायना बड़ी आसानी के साथ उन कपि को हराए जा रही थी। काला पोशाक वाला आदमी भी उस कपिराज पर वज्र से वार करने की कोशिश करे जा रहा था। तभी उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है और वो वज्र से उस कपिराज की पूंछ पर वार कर देता है, पर उससे उस कपिराज पर जरा सा भी असर नहीं होता है। वो उसी तरह काला पोशाक वाले आदमी से लड़ते रहता है जिस तरह पहले लड़ रहा था। काला पोशाक वाला आदमी मन में सोचने लग जाता है, ये क्या, इस कपिराज को कुछ हुआ क्यों नहीं? मैंने तो इसकी पूंछ पर वार किया था, आखिर यही तो इसके शरीर की सबसे ताकतवर और कमजोर कड़ी थी। बाकियों के कपि की तरह इसे भी अभी तक धराशायी होकर नीचे गिर जाना चाहिए था। काला पोशाक वाला आदमी कपिराज से लड़ते हुए ही सोचने लग जाता है कि वो ऐसा क्या करे कि कपिराज हार जाए। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर वार करे। काला पोशाक वाला आदमी कपिराज से लड़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कपिराज ने अपने गले में जो हड्डी वाला लॉकेट पहना हुआ था उस पर पड़ती है। काला पोशाक वाला आदमी अगले ही पल उस लॉकेट पर वज्र से वार करता है। जैसे ही वज्र का प्रहार उस हड्डी पर पड़ता है, वो लॉकेट की माला टूटकर नीचे गिर जाती है। उसी के साथ कपिराज दर्द भरी कराह के साथ चीखने चिल्लाने लग जाता है। अगले ही पल वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। कपिराज के पराजित होते होते ही बाकी सब कपि भी अपने घुटनों पर बैठने लग जाते हैं, जैसे कपिराज की तरह उन्होंने भी हार मान ली हो। डायना और काला पोशाक वाला आदमी एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के अगल बगल ही खड़े हो जाते हैं। अब उनके सामने कपिराज था और उसके पीछे उसकी पूरी सेना जो घुटनों के बल बैठी हुई थी। उन सभी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। कपिराज अपनी भारी आवाज में दर्द भरी कराह के साथ डायना और काले पोशाक वाले आदमी से कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्यों आए हो? डायना गुस्से से कपिराज को घूरते हुए कहती है, यही बात पहले पूछ ली होती तुमने हमसे तो इतने सारे जख्म नहीं सहने पड़ते, पर तुम तो आते से ही हम पर टूट पड़े, हमें मारने लगे। कपिराज अपनी बात डायना के सामने रखते हुए कहता है, हम कपि हैं, हमारे इलाके में इंसानों का आना हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, उनके कदम रखते ही हम उन्हें मार देते हैं। मुझे लगा कि तुम दोनों भी आम इंसान होगे, पर मुझे क्या पता था कि हमारा सामना एक डायन और एक शक्तिशाली आदमी से होने वाला है जिसके पास वज्र है। डायना फिर कुछ कहती, उससे पहले ही काला पोशाक वाला आदमी कपिराज से पूछ पड़ता है, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो और अब हम वो करेंगे जो हम यहाँ पर करने आए थे। कपिराज कुछ घबराते हुए कहता है,
क्या करने आए थे तुम दोनों यहाँ पर? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, हम यहाँ पर कालगढ़ का पता लगाने आए थे। जैसे ही कपिराज काला पोशाक वाले आदमी के मुंह से कालगढ़ का नाम सुनता है, वो कुछ घबराने लगता है। काला पोशाक वाला आदमी कपिराज की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कालगढ़ कहाँ पर है? कपिराज की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। सिर्फ कपिराज नहीं बल्कि उसके पीछे जो बाकी के कपी थे वो भी सब डर कर घबराने लग गए थे। काला पोशाक वाला आदमी फिर कपी पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो क्या तुम्हें कालगढ़ के बारे में कुछ पता है? कपिराज अभी कुछ नहीं कहता है। काला पोशाक वाला आदमी गुस्से के साथ कहता है, लगता है तुम ऐसे कुछ नहीं बताने वाले हो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी नीचे झुकता है और वो हड्डी वाला लॉकेट उठाने लग जाता है जो कपिराज के गले में से टूट कर नीचे गिर गया था। काला पोशाक वाला आदमी वज्र के नीचे उस लॉकेट को रखते हुए कहता है, तुम मुझे कुछ बताओगे कि तोड़ दूं मैं ये लॉकेट? तुम जानते हो ना इसके टूटने के साथ ही तुम्हारे अंदर का बल भी खत्म हो जाएगा। कपिराज घबराते हुए तुरंत बोल पड़ता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, तो फिर बता हमें कि कालगढ़ कहाँ पर है? कपिराज हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, कालगढ़ दक्षिण दिशा की तरफ है। डायना गुस्से के साथ कहती है, कालगढ़ दक्षिण दिशा की तरफ है ये तो हमें भी पता है, पर दक्षिण दिशा में कहाँ पर है? अब तक कालगढ़ ढूंढने के चक्कर में दक्षिण दिशा में 100 से भी ज्यादा शैतानी डरावनी जगहों पर हमले कर चुके हैं हम, पर हमें अभी तक कालगढ़ नहीं मिला है। कपिराज कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि दक्षिण में कालगढ़ कहाँ पर है, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम कालगढ़ से ज्यादा दूर नहीं हो, उसके नजदीक पहुँच चुके हो, वो तुम्हारे करीब ही है। काला पोशाक वाला आदमी कपिराज पर शक करते हुए उससे पूछता है, और तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि हम कालगढ़ के बहुत करीब पहुँच चुके हैं? कपिराज अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा ऊपर देखो। जब डायनो और काला पोशाक वाला आदमी ऊपर की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो आसमान का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक पल के लिए तो उन्हें सांप ही सूंघ गया था। आसमान में ढेर सारे बॉटफ्लाई उड़ रहे थे, वो आसमान पूरी तरह बॉटफ्लाई से भरा हुआ था, कहीं पर भी जरा से भी बादल नजर नहीं आ रहे थे। डायनो और काला पोशाक वाले आदमी में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही कपिराज खुद बोल पड़ता है, ये बॉटफ्लाई देख रहे हो, ये बॉटफ्लाई कभी हमारे क्षेत्र में नहीं पाए जाते थे, पर दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये सब कालगढ़ के कारण हुआ है। कालगढ़ कोई आसपास ही रच रहा है। काला पोशाक वाले आदमी को कपिराज की बात एकदम सही लग रही थी, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि जो भी कालगढ़ रचता है तो उसकी शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं, और ये बॉटफ्लाई सबूत है उस काले साय की शक्ति के बढ़ने का, क्योंकि काले साय को इन बॉटफ्लाई से ही शक्ति मिला करती थी। डायना उन बॉटफ्लाई को देखते हुए फिर कपिराज से पूछ पड़ती है, क्या तुम्हें पता है ये बॉटफ्लाई आ कहां से रहे? कपिराज अपने हाथ से दक्षिण की तरफ इशारा करते हुए डायना से कहता है, वो पहाड़ देख रही हो तुम? सुना है ये सारे बॉटफ्लाई उसी पहाड़ के पीछे से आ रहे हैं। डायना उस तरफ देखते हुए ही कपिराज से फिर पूछ पड़ती है, उस पहाड़ के पीछे क्या है, कौन सी जगह है वो? कपिराज डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उस पहाड़ के पीछे है लाल खाल जंगल। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।